हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजियोथेरेपी मेगा क्विज में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट द क्विज गेम। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्ट ऑफ टू नॉन लीनियर सिस्टम एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग आउट देयर रिजल्टेंट विच कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो ये मैंने बना दिए दो फोर्स एक रिजल्टेंट। आंसर इसका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है 40 kg ट्रैक्शन फोर्स इज अप्लाइड टू अ पार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री व्हाट विल बी द इफेक्टिव डिस्ट्रक्टिव फोर्स। डिस्ट्रक्टिव फोर्स मतलब कि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये 40 डिग्री में जा रहा है 30 डिग्री में 40 kg लग रहा है तो हमें क्या चाहिए डिस्ट्रक्टिव फोर्स चाहिए। 40 cos थीटा को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में डालना है। नेक्स्ट इज फिक्शन इज द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द सर्फेस व्हेन वन सर्फेस मूव्स ओवर द अदर विच इज़। तो आप सेलेक्ट करो अपना आंसर। पुली आर यूज टू मेक वर्क ईजी ऑल्टर डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड गेन मैकेनिकल एडवांटेज। नेक्स्ट इज इन अ पुली मैक्सिमम रेजिस्टेंस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एंगल ऑफ पुली इज। तो बताना है आपको। पॉज करते रहें और अपना आंसर जरूर सेलेक्ट करें। ऑर्डर कौन सा ऑर्डर ऑफ लीवर जो है लीवर ऑफ स्पीड है। एंड नी फ्लेक्शन इन प्रोन लाइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये हैमस्ट्रिंग मसल बनाई है मैंने इफर्ट बीच में है एंड फल्क्रम एंड वेट दोनों साइड्स में। तो कौन सा लीवर होगा आपको बताना, ये भी कॉमेंट में बताना था। देन सेकेंड ऑर्डर लीवर इज द लीवर ऑफ वॉट। स्टैंडिंग ऑन टोज एन एग्जाम्पल ऑफ इन अवर बॉडी मोर नंबर ऑफ डैश ऑर्डर लीवर्स आर प्रेजेंट। तो सेकेंड ऑर्डर लीवर में वेट हमारे बीच में होता है। स्टैंडिंग ऑन टोज इज सेकेंड ऑर्डर लीवर एंड सबसे ज़्यादा थर्ड ऑर्डर लीवर हम लीवर होते हैं हमारी बॉडी में। ऑर्डर पावर कौन सा है लीवर ऑफ पावर इज सेकेंड। नॉडिंग मूवमेंट ऑफ हेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो नॉडिंग मूवमेंट कौन सा ये बताओ आप। एल्बो फ्लेक्शन इन मिड प्रोन पोजिशन इज डन बाय ब्रेकियोरिडियालिस मसल। लिफ्टिंग 10 kg डंबल बेल कन्वर्ट्स इट फ्रॉम द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ MCP जॉइंट ऑफ फिंगर। फ्रेंड्स फिंगर्स नॉट थम। थम की 3 होती है तो फिंगर्स की कितनी होती है ये बतानी है आपको। एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन सजाइटल प्लेन में होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी और ये सेकेंड टू थर्ड ऑर्डर में बदल जाएगा। और नॉडिंग ऑफ हेड फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट है क्योंकि हेड हमारा सबसे ऊपर आता है तो आप इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिव फिक्सेशन कैन बी अचीव्ड बाय। एक्टिव फिक्सेशन हम ऑफकोर्स मसल्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करवा के करवाएंगे। तो आप सेलेक्ट करूँ। इन नॉर्मल स्टैंडिंग लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिस डैश टू द नी। तो सिंपल सा फंडा है एंड सैक्रल वर्टिब्रा के एंटीरियर होता है हिप के पीछे होता है और नी जॉइंट के आगे एंकल के आगे लाइन ऑफ ग्रेविटी फॉल करती है। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन टेक्स प्लेस इन विच ट्रांसवर्स प्लेन। मैकेनिकल असिस्टेंस रेजिस्टेंस मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज एक्स परपेंडिकुलर। मसल इज मोस्ट एफिशिएंट इन आउटर पार्ट ऑफ मिडल रेंज। तो मिडल में तो होती ही है मसल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मिडल रेंज में, लेकिन कौन से आउटर पार्ट में। और ये रेजिस्टेंस सिस्टम तो पता होगा आपको, जब हम परपेंडिकुलर देते हैं तब से मैक्सिमम लगता है। फोरम प्रोनेशन रेंज ऑफ मोशन इज लिमिटेड। क्यों प्रोनेशन कम होती है सुपिनेशन से वो बताना आपको। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आप कमेंट करेंगे। देन रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट इज़ यूजफुल फॉर सेलेक्ट करो अपना आंसर। देन स्ट्रेचिंग इज द व्हाट। एंड एंटीरियर पेल्विक टिल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो आप अपना आंसर सेलेक्ट करो। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आपको पता होगा लोअर क्रॉस सिंड्रोम होता है जिसमें हमारा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता है, उसमें हमारी जो बैक की मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं। करेक्ट आंसर है रिलैक्स पैसिव मूवमेंट रिमेम्बरेंस ऑफ पैटर्न ऑफ मूवमेंट एंड स्ट्रेचिंग इज स्लो एंड सस्टेन्ड फोर्स्ड पैसिव मूवमेंट। ये मैंने बनाया है कि टाइट हमारी हिप फ्लेक्सर्स और बैक एक्सटेंसर है, वीक एब्डोमिनल्स और हैम्स हैं, ये हमारा लोअर क्रॉस सिंड्रोम होता है। तो अब आपको बताना है कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कैसे किस कौन प्रोड्यूस करेगा। ऑफकोर्स जो टाइट मसल्स होंगी वही करेंगे, मतलब कि हिप फ्लेक्सर्स एंड लंबर एक्सटेंसर्स। देन नेचुरल स्पीड फॉर एवरी एक्टिव एक्सरसाइज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड इन द सेम इंडिविजुअल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है इनमें से।
नेक्स्ट इज मसल आर मोस्ट ऑफन यूज इन द मिडल रेंज ड्यूरिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. सो मोस्ट ऑफिशियंट विद इन दिस रेंज हेवी सेलेक्ट करना है. फिंगर वॉकिंग जो करवाते हैं हम वॉल पे, वो एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन विच द प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज द लोड रिमेंस कॉन्स्टेंट. तो आपको पता है कि डी लॉर्म में तो हम बढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड में भी बढ़ाते हैं, तो कौन से में कॉन्स्टेंट रखते हैं ये बताना है आपको. तो अब अपना आंसर सेलेक्ट कर लो सारे. अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा. तो 26-27 का तो डी है, ऑल आर करेक्ट. फिंगर वॉकिंग इज सब्जेक्टिव एक्सरसाइज, मींस एनाटॉमिकल रेंज में मूवमेंट होती है. और जो मैक्वीन है उसमें जो पीआरई होता है, उस मैक्वीन पीआरई में लोड कांस्टेंट रहता है. डी लॉर्म में जो पीआरई रहता है उसमें 10 RM को हम प्रोग्रेशन कैसे करते हैं, डेली, एवरी वीक या फोर्टनाइट. फोर्टनाइट 14 डेज होता है या एवरी मंथ, ये बताओ. लो रेजिस्टेंस हाई रिपीटेशन, फिर से ध्यान से सुनो. लो रेजिस्टेंस मतलब कम वेट उठाना है बार बार, ये क्या बढ़ाएगा. एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अप्रॉक्सीमेशन लिमिटिंग द जॉइंट. सॉफ्ट टिश्यू ये बहुत ईजी है कि कौन सी सॉफ्ट टिश्यू अप्रॉक्सीमेशन से कौन सी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन लिमिट होगी. एग्जांपल ऑफ पैसिव इनसफिशियंसी इज SLR. लिमिटेशन ऑफ फिंगर अबडक्शन इज ड्यू टू टेंशन ऑफ फिंगर. आप अबडक्ट करके देखो तो आपकी स्किन उसको लिमिट करेगी और अबडक्ट होने से. एंड एंड्योरेंस बढ़ेगा अगर लो रेजिस्टेंस हाई रिपीटेशन होगी. और डी लॉन्ग में हम जो प्रोग्रेशन होता है हम एवरी वीक करते हैं. इसके 34th क्वेश्चन के दो ऑप्शन लिगामेंट एंड बोन थे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है हमें क्या लिमिट करेगी स्किन. देन नेक्स्ट इज एंड फील ऑफ डैश इज बोनी, किसकी एंड फील बोनी होगी. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एंड नेक्स्ट फोर्स पैसिव मूवमेंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर डैश जॉइंट, ये भी बहुत कॉमन है. जॉइंट मोबिलाइजेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लीनर हिंड्रल एंटीरियर ग्लाइड इम्प्रूव्स. तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे. करेक्ट आंसर इज एल्बो एक्सटेंशन. एल्बो में हम फोर्स पैसिव मूवमेंट नहीं करवाते हैं. क्यों? मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस का डर होता है. अगर लूज बॉडी हो जॉइंट के अंदर हम मोबिलाइजेशन नहीं करवाएंगे और एंटीरियर ग्लाइड हमारी एक्सटेंशन बढ़ाएगी एंड एक्सटर्नल रोटेशन. और पोस्टीरियर ग्लाइड हमारी फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन बढ़ाएगी. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है एंड फील ऑफ ये तो हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया. तो फ्रेंड्स आप कोई भी क्वेश्चन जिसमें डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्लटन बर्न हैज़ डिस्क्राइब्ड डैश ग्रेड्स. तो कितनी ग्रेड्स डिस्क्राइब करी है कार्लटन बर्न ने. एंकल ट्रैक्शन कैन इम्प्रूव वट रेंज ऑफ मोशन. लेदरी एंड फील इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश. एंड फील ऑफ लूज बॉडी इन साइड द जॉइंट क्या होगा. एंड द फिक्स पॉइंट इन एक्सिस सस्पेंशन इज. अब तो आप अपने आंसर सेलेक्ट कर लो. कार्लटन बर्न ने 3 ग्रेड्स बताए थे अपने. एंड एंकल ट्रैक्शन, अगर आप करके देखोगे एंकल को ट्रैक्शन दोगे तो उससे प्लांटर फ्लेक्शन इंक्रीज होगा. और लेदरी एंड फील कैप्सुलर टाइटनेस की वजह से फील होती है. और लूज बॉडी अगर है जॉइंट के अंदर तो हमें स्प्रिंगी रिबाउंड फील होगा. फिक्स पॉइंट इन एक्सिस सस्पेंशन इज जस्ट अबव द एक्सिस ऑफ द जॉइंट. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके करेक्ट आंसर है. पहले आप, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि पहले आप अपना आंसर सेलेक्ट करिए तभी आपकी लर्निंग होगी. नेक्स्ट है पेंडुलर सस्पेंशन इज यूज टू इम्प्रूव जॉइंट रेंज ऑफ मोशन बाई शिफ्टिंग द फिक्स्ड पॉइंट टू डैश. इन एक्सिस सस्पेंशन द पार्ट रेस्ट इन डैश पोजिशन. मूवमेंट इन पेंडुलर सस्पेंशन टेक्स प्लेस इन वॉट प्लेन. एंड डबल पुली रोप इज यूज टू सपोर्ट हैवी बॉडी पार्ट. इट बिकम्स, ये आपको बताना है, वर्टिकल सस्पेंशन इज यूज फॉर. तो आप पॉज करके अपने आंसर सेलेक्ट करो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है. पेंडुलर सस्पेंशन में जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है उसमें हम शिफ्ट करेंगे फिक्स पॉइंट को टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन. एक्सिस सस्पेंशन में हमें क्या करते हैं, पोजीशन होती है न्यूट्रल. और पेंडुलर सस्पेंशन इंक्लाइन प्लेन पे होता है. और जो पुली है वो सबको पता है कि ईजी कर देती है पार्ट को एलिवेट करने में. एंड वर्टिकल सस्पेंशन ये प्रॉक्सिमल फिक्सेशन के लिए होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है
पुली रोप इन सस्पेंशन थेरेपी इज़ यूज टू। तो पुली किस काम आती है या पढ़ लो, तो आई थिंक तो ऑल है इसका। एंड चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना। मैं आपको बता दूँ, इसेंट्रिक वर्क जो होता है हमारा वो जीरो होता है, सॉरी इसेंट्रिक वर्क हमारा नेगेटिव होता है, आइसोमेट्रिक जीरो, और कंसेंट्रिक हमारा बहुत ज़्यादा मसल को काम करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग मसल स्ट्रेंथनिंग, ये भी आप सेलेक्ट करो। एंड फ्रेंकल एक्सरसाइज आर डिवाइस टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बाय यूज़ ऑफ साइट साउंड एंड टच इन केस ऑफ लॉस ऑफ काइनेस्थेटिक सेंसेशन। काइनेस्थीसिया क्या होता है, सेंस ऑफ मूवमेंट, एंड प्रोप्रियोसेप्शन सेंस ऑफ बॉडी पोजिशन। तो 51 का है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्पीड ऑफ मूवमेंट इज प्रोग्रेशन ऑफ इसेंट्रिक, सॉरी कंसेंट्रिक वर्क, नॉट इसेंट्रिक। नेक्स्ट इज प्रोग्रेशन ऑफ फ्रेंकल एक्सरसाइज इज मेड बाय फॉर द रिकवरिंग मसल। आपको ये चूज़ करना है हम पहले कौन सी एक्सरसाइज देंगे, कंसेंट्रिक या इसेंट्रिक या आइसोमेट्रिक। PNF वॉज डेवलप बाय एंड विच PNF टेक्निक इज़ यूज इन सेरिब्रल एटेक्सिया, एंड रिदमिक इनिशिएशन टेक्निक इज़ यूज फॉर वॉट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 57 हम बाद में करेंगे, इसका डी ऑप्शन आई थिंक पार्किंसंस है। तो प्रोग्रेशन ऑफ फ्रेंकल एक्सरसाइज में ऑल ऑफ द अबव, स्पीड रेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, रेंज में वाइडर टू स्मॉलर और स्पीड में क्विक टू स्लो जाएंगे हम। रिकवरिंग मसल में पहले इसेंट्रिक देंगे, कंसेंट्रिक से पहले कैबिनेट नॉट ने PNF डेवलप किया था, और रिदमिक स्टेबलाइजेशन फॉर सेरिबेलर अटैक्सिया। ठीक है फ्रेंड, सेरिबेलर अटैक्सिया में हमारा इंटेंशनल ट्रेमर्स होता है, एंड पार्किंसंस जो दूसरा होता है उसमें हमारा रेस्टिंग ट्रेमर होता है, आपको याद होगा 4 to 6 बीट्स पर मिनट पर सेकेंड। तो उसमें क्या होता है, कीपिल रोलिंग मोमेंट होती है हैंड की। एंड नेक्स्ट इज रिदमिक इनिशिएशन टेक्निक इज यूज फॉर, तो आप रिदमिक इनिशिएशन मतलब कि पहले पैसिव से स्टार्ट करोगे, फिर एक्टिव असिस्टेड, फिर एक्टिव, फिर एक्टिव रजिस्टर, ये किस में देंगे हम। तो इसका आंसर पार्किंसंस है। ग्रूव इन PNF रिफर्स टू, ग्रूव किसे बोलते हैं PNF में, PNF एल्बो फ्लेक्शन इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट, सेलेक्ट करो आप ये। एंड PNF नी फ्लेक्शन इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट, एंड विच इज़ नॉट ट्रू फॉर रिदमिक स्टेबलाइजेशन। रिदमिक स्टेबलाइजेशन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था हमारा, इससे पहले वाले स्लाइड में, कि सेरिब्रल एटेक्सिया में क्या देते हैं, तो रिदमिक इनिशिएशन बता दिया मैंने, ग्रूव इन ग्रूव मतलब डायग्नोस को कहते हैं, एंड एल्बो फ्लेक्शन तो हर किसी का कंपोनेंट होता है, लेकिन नी फ्लेक्शन आपको याद रखना है, फ्लेक्शन रिडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन के लिए होता है नी फ्लेक्शन। एंड नॉट ट्रू फॉर रिदमिक स्टेबलाइजेशन इज कि मैनुअल रेजिस्टेंस अप्लाई अल्टरनेटिवली टू द अपोजिट साइड ओनली इन क्लोज्ड चेन। तो नेक्स्ट इज चूज़ द करेक्ट प्रोग्रेशन ऑफ एम्बुलेशन बाय अ पेयर ऑफ ऑक्सिलरी क्रिचर्स, बताना है आपको प्रोग्रेशन क्या होता है। देन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेयर क्लाइंबिंग विद अ पेयर ऑफ ऑक्सिलरी क्रिचर्स, एंड देन एल्बो क्रिचर्स आर इंडिकेटेड फॉर द पर्सन्स विद, गटर क्रिचर्स आर इंडिकेटेड फॉर द पर्सन्स विद। तो एल्बो क्रिचर्स तो आपको पता होगा आई थिंक, गटर क्रिचर्स में एक और ऐड हो जाता है कि उसमें रिस्ट एंड हैंड भी वीक हो जाता है। तो आप सेलेक्ट करो अपना आंसर क्या होना चाहिए, और करेक्ट स्टेयर क्लाइंबिंग में याद रखना वुड गोज टू हेवन, पहले गुड लेग साउंड लेग ऊपर की तरफ स्टेयर की क्लाइंबिंग में ऊपर की तरफ जाएगा, देन अफेक्टेड, देन क्रचेस। तो सी ऑप्शन ठीक है 63 का। करेक्ट प्रोग्रेशन होगा 3-4-2, मतलब कि नॉन वेट बेयरिंग, पार्शियल वेट बेयरिंग एंड वेट बेयरिंग। एल्बो क्रचेस में हम स्ट्रॉन्ग अपर एक्सट्रीमिटी हो, स्ट्रॉन्ग ट्रंक हो तब देंगे, गटर क्रच में स्ट्रॉन्ग अपर एक्सट्रीमिटी हो लेकिन उसको प्रॉब्लम होगी रिस्ट और हैंड में, ठीक है ये याद रखना। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये आपको आंसर्स क्लियर है। अब नेक्स्ट इज पर्सन्स विद यूनिलैटरल हिप प्रॉब्लम्स लीन टू द अफेक्टेड साइड एंड एडवाइस टू यूज़ अ वॉकिंग स्टिक। तो ये बहुत सिंपल सा है, अगर एक कौन सा साइड अफेक्टेड है हम स्टिक कौन से साइड में देंगे। द मेजरमेंट ऑफ एक्सिलरी क्रच इज टेकन फ्रॉम वाइल डिसेंडिंग द स्टेयर्स द थेरेपिस्ट मस्ट एंड। तो डिसेंडिंग द स्टेयर क्या होता है, बेड वाला पहले आता है, बेड वाला लेग पहले आएगा, तो उस टाइम थेरेपिस्ट कहाँ खड़ा होना चाहिए। देन ट्रेंडलेनबर्ग साइन इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन, तो आप सेलेक्ट करो आंसर, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सारे आंसर सेलेक्ट करेक्ट आएंगे।
ट्रेंडलिंग बर्न में क्या होता है, साउंड जो पेल्विस होता है वो ड्रॉप कर जाता है व्हेन स्टैंडिंग ऑन अफेक्टेड साइड। अब स्टेयर डिसेंडिंग के टाइम में आपको पेशेंट के सामने खड़े रहना पड़ेगा वीकर साइड के, ये नहीं कि आप पीछे खड़े हो जाओ। मेजरमेंट होगा 20 सेंटीमीटर फॉरवर्ड एंड लैटर टू लिटल टो एंड 66 का बहुत ईजी है कि हम साउंड साइड पे स्टिक पकड़ाएंगे अगर पेशेंट का अफेक्टेड है एक दूसरी साइड का। इन थॉमस टेस्ट पोजीशन लिमिटेशन ऑफ हिप एडक्शन रेंज इंडिकेट्स शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड। इन थॉमस टेस्ट पोजीशन लिमिटेशन ऑफ हिप इंटरनल रोटेशन रेंज इंडिकेट्स शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड टाइटनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश डिफॉर्मिटी। ओबर टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट शॉर्टनिंग ऑफ। आप पॉज करके अपना आंसर सेलेक्ट कर लो। आई होप आपने अपने आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। थॉमस टेस्ट पोजीशन लिमिटेशन ऑफ हिप एडक्शन रेंज इंडिकेट शॉर्टनिंग ऑफ TFL एंड द थॉमस टेस्ट पोजीशन। अगर हिप इंटरनल रोटेशन कम हो गया वो इंडिकेट करता है ईडियोसोअस की टाइटनेस, एंड SCM का टाइटनेस क्या करेगा, सेम साइड फ्लेक्शन एंड अपोजिट साइड रोटेशन। ओवर टेस्ट फॉर द डिटेक्ट शॉर्टनिंग ऑफ IT बैंड। तो फ्रेंड्स, थॉमस टेस्ट हम हिप फ्लेक्सेस के लिए करते हैं, टाइटनेस के ही फ्लेक्सेस होते हैं रेक्टस फेमोरिस और ईडियोसोअस। अगर इंटरनल रोटेशन लिमिटेड है तो वो होगा हमारा इलियोसोस की वजह से। नेक्स्ट इज हिप अबडक्टर्स एट ग्रेड 3 इज टेस्टेड इन साइड लाइंग ऑन साउंड साइड फॉर ग्लूटियस मिनिमस हिप अडक्शन इज डन डैश टू टेस्ट क्वाड्रिसेप्स फॉर ग्रेड 2 द सब्जेक्ट शुड ले ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन इन सिटिंग। ट्राइसेप्स का वर्क बताना है, लेग लोवरिंग फ्रॉम एक्सटेंडेड नी पोजिशन। क्वाड्रिसेप्स वर्क्स कैसे करेगा, लेग लोअरिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम एक्सटेंडेड नी, तो उसमें वर्क बताना है। तो आप पॉज करके अपने आंसर सेलेक्ट कर लो। हिप अबडक्टर्स ग्रेड 3 हम साइड लाइन में करते हैं, तो ग्लूटियस मिनिमस के लिए भी हम न्यूट्रल पोजीशन में ही रखेंगे हिप को, एंड क्वाड्रिसेप्स के लिए हम अगर ग्रेड 2 चेक करना है तो हम उस साउंड साइड पे लेटने को बोलेंगे, तभी तो अफेक्टेड लेग ऊपर होगा। एल्बो फ्लेक्शन के टाइम पे ट्राइसेप्स वर्क ही नहीं करता सिटिंग पोजीशन में। लेग लोवरिंग जब हम करते हैं तो क्वाड्रिसेप्स इसेंट्रिकली वर्क करेगा, लेकिन अगर हम लोड लगा देंगे तो हैम्स कंसेंट्रिकली वर्क करेगा। आंसर सीधा, हैमस्ट्रिंग वर्क कंसेंट्रिकली। देन व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन हाइड्रोथेरेपी यूनिट। नेक्स्ट इज इन हाइड्रोथेरेपी द फैक्टर या फैक्टर्स विच कैन हैव द इफेक्ट ऑन हार्ट रेट, तो कौन कौन से हैं। द अपवर्ड मूवमेंट इन साइड वाटर इज ईजी, तो मूवमेंट इज असिस्टेड बाय वॉट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स अ पेशेंट विद द लोअर एक्सट्रीमिटी मसल वीकनेस टू स्टैंड इन अ साइड हाइड्रोथेरेपी पूल विच अदरवाइज कैन नॉट स्टैंड। तो इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत अच्छा आंसर है इसका, ये आपको याद रखना चाहिए। एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफकोर्स बायोएंसी की वजह से मूवमेंट एक्सिस्ट हो जाती है हाइड्रोथेरेपी में, कि ए एंड बी टेम्परेचर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दोनों से, जो हार्ट रेट के ऊपर दोनों का इफेक्ट होता है। टेम्परेचर 27 to 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए हमारे हाइड्रोथेरेपी यूनिट की, ठीक है फ्रेंड। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक हाइट पे जो प्रेशर लगती है, जैसे लेग है, लेग के मसल्स पे जो प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, उसको बोलते हैं। एंड द क्रॉस इन्फेक्शन इन हाइड्रोथेरेपी कैन बी चेक्ड बाय व्हाट। मूवमेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज बताना आपको, पॉज करके अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। द डेंजर्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी इज द डेंजर ऑफ प्रोलॉन्ग हाइड्रोथेरेपी इज एंड ये नेक्स्ट में करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हाइड्रोथेरेपी। तो क्रॉस इन्फेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये सबको पता होगा, स्विमिंग पूल में भी करते हैं, क्लोरिनेटिंग द वाटर। एंड द मूवमेंट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इज असिस्टेड इज रजिस्टर्ड बाय द डिस्प्लेस्ड वाटर। एंड द डेंजर ऑफ हाइड्रोथेरेपी इज ऑल स्लिपेज फॉल ड्रोनिंग इन्फेक्शन। एंड डेंजर ऑफ प्रोलॉन्ग हाइड्रोथेरेपी इज ये भी ऑल है, फैटिक हो सकता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, राइज इन बॉडी टेम्परेचर। तो ये सब हो सकता है डेंजर्स ऑफ बहुत ज़्यादा अगर हाइड्रोथेरेपी कोई कर रहा है तो उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन में पूछा था क्या है इसका, कन्वर्जन रेस्पिरेटरी डिजीज इन कॉन्टिनेंस ऑफ बॉल एंड ब्लैडर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हेल्प्स अ पेशेंट विद लोअर एक्सट्रीमिटी मसल वीकनेस टू स्टैंड इन साइड हाइड्रोथेरेपी पूल विच अदर। ये सेम क्वेश्चन है,
आई थिंक तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो फॉर ग्रुप थेरेपी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट इन ग्रुप इज़ अबाउट, तो नंबर ऑफ पेशेंट बताने हैं ग्रुप में। द एडवांटेज ऑफ ग्रुप थेरेपी क्या होगी, द मिशेल टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आप सेलेक्ट कर लो। करेक्ट आंसर उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑल है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो मैंने आपको पहले बताया था। ग्रुप थेरेपी में मैक्सिमम नंबर पेशेंट 6 से 8 होते हैं। एडवांटेज क्या है, सब कुछ ही है ग्रुप थेरेपी के, टाइम सेविंग है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। एंड द मिशेल टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनोवेशन, इसे ऑटोजेनिक इनिबिशन भी बोलते हैं, मतलब सेम मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाया और वो बहुत आइसोमेट्रिकली, तो वो एक फेज में जाएगी कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक रिलैक्सेशन फेज में जाएगी। देन वाल्सावा मैन्यूवर शुड बी अवॉइडेड फॉर, तो बताना आपको, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इम्प्रूव द मसल पावर इन एवरी इंडिविजुअल, ये ट्रू है फॉल्स है या फिर नॉट ऑलवेज। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस पीक सेट, कब एक्सरसाइज जो हम इसेंट्रिकली गलत लोडिंग कर लेते हैं तो वो कब पीक्स करता है। डोम्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लो अपना। तो वाल्सावा मैन्यूवर हम अवॉइड करेंगे पेशेंट विद हाइपरटेंशन, जेनेटिक पेशेंट एंड एब्डोमिनल सर्जरी वाले को। और प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मसल पावर हर इंडिविजुअल में, ये नॉट ऑलवेज ट्रू। डिलेड ऑनसेट 1 to 2 days and domes prevented by all of the above. If stair climbing has to be improved, which exercise should be done? स्टेयर क्लाइंबिंग फंक्शनल एक्सरसाइज है, तो आप सोचिए बताओ क्या करवाएं हम। इम्प्रूव फंक्शन विच एक्सरसाइज प्रोग्राम इज प्रेफरेबल, तो दोनों का सेम ही आंसर है। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट ट्रू फॉर आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, तो आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करो। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल टू इम्प्रूव मसल फोर्स जनरेशन कैपेसिटी, मसल फोर्स जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए। इन द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ शुड बी एटलीस्ट, कितना होना चाहिए मसल मिनिमम ड्यूरेशन किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम का, अगर मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी हो 6 weeks होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ कोर्स लोड ही होगा, एंड ट्रू आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के लिए हमारा है ऑप्शन सी, पेशेंट नीड टू कंट्रोल द मोमेंटम, तो ये हमारा ट्रू नहीं है। एंड क्लोज चेन कंसेंट्रिक एंड ईसेंट्रिक, हमारा फंक्शनल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्लोज चेन कंसेंट्रिक ईसेंट्रिक करवाते हैं। फ्रेंड्स आइसोकाइनेटिक मीन्स, आइसो मीन्स सेम, काइनेटिक मीन्स एनर्जी, जो आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो हाफ एम वी स्क्वेयर होता है, वी स्क्वेयर मतलब वेलोसिटी डिपेंडेंट, सेम वेलोसिटी में कोई मोशन हो। द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज ये तो हो गया। वट शुड बी प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलोइंग मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, तो क्या होगा, पहले आप क्या करवाओगे, ऑफकोर्स आइसोमेट्रिक तो करवाओगे, उसके बाद क्या करवाओगे। ऑक्सफोर्ड टेक्निक इज अपोजिट टू वॉट, इन स्लो स्ट्रेचिंग क्या होगा, स्लो स्ट्रेचिंग में, एंड टाइटनेस इज सेम एज वॉट, इसका ऑप्शन आई थिंक नेक्स्ट पेज पे है। तो मिनिमम ड्यूरेशन 6 weeks थी, तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था इसेंट्रिक वर्क जो होता है हमारा वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम पहले आइसोमेट्रिक के बाद इसेंट्रिक से स्टार्ट करवाएंगे। डिलॉम और ऑक्सफोर्ड टेक्निक जो है एक दूसरे के अपोजिट है। स्लो स्ट्रेचिंग में GTO फायर करता है गोल्गी टेंडन ऑर्गन, एंड टाइटनेस इज सेम है, इसका आंसर है सी, दैट इज ट्रांजिएंट कॉन्ट्रैक्चर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी फॉर दैट। तो फ्रेंड्स ऐसे हम करते हैं क्वेश्चन को, अगर आप को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं, एंड कमेंट करना ना भूलें जो भी मैं आपको बोल रही हूँ। देन व्हेन देयर इज़ अ परमानेंट डिफॉर्मेशन विद अ लोड ऑफ लो मैग्नीट्यूड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन इन इलास्टिक रेंज इट इज़ नोन एज व्हाट, फॉर मोस्ट ऑफ अवर फंक्शनल एक्टिविटीज यूज़, क्या यूज़ करते हैं हम कोलाजन फाइबर का, कौन सा रीजन। Which of the best, which is the best method for stretching tight structure in any exercise program for 1 MET increase of exercise level systolic BP हमारा rise करेगा कितने से, तो आप अपने आंसर सेलेक्ट कर लो। करेक्ट आंसर है कि जो permanent deformation होती है वो होती है creep range में, एंड मोस्ट ऑफ अवर फंक्शनल रेंज टू रीजन ऑफ कोलाजन फाइबर में, एंड सबसे बेस्ट मेथड है स्ट्रेचिंग का लॉन्ग साइक्लिक, एंड 1 MET में हमारा कितना बीपी इंक्रीज होगा, सिस्टोलिक बीपी 7 to 10 mm ऑफ HG। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो टू रीजन है हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए कोलाजन फाइबर का। एक्टिव इनिबिशन टेक्निक्स आर नॉट इफेक्टिव फॉर, आप सेलेक्ट करो। एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग रिफर्स टू वॉट, वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग बताने की क्या होता है, अगर कोई कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग कितना है तुम्हारा,
यूजली मोर देन डैश सेट्स कैन कॉज मस्कुलर स्केलेटल इंजरी, कितने सेट्स? तो बहुत कॉमन सा आंसर है इसका. तो नेक्स्ट है डी ए पी आर ई, द बेस रेपिटेशन मैक्सिमम इज व्हाट? डी ए पी आर ई है डेली एडजस्टेबल प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज टू अवॉइड मसल स्ट्रेन, विच इज इम्पॉर्टेंट अमंग द फॉलोइंग? एडिक्वेट स्ट्रेंथ. ये नेक्स्ट आएगा आंसर है एक्टिव इनिबिशन टेक्निक नॉट इफेक्टिव फॉर ऑल मसल वीकनेस वगैरह. एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग क्या होते हैं? सेट्स मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस. आप कितने सेट कर रहे हो, कितना रेजिस्टेंस ले रहे हो, और मोर देन थ्री सेट मस्कुलोस्केलेटल इंजरी कर सकता है. एंड डी ए पी आर ई का बेस रिपीटेशन है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 6 RM. नेक्स्ट, इसमें बताया था मैंने आपको कि मसल स्ट्रेन के लिए हम क्या क्या इंपॉर्टेंट है. तो एडिक्वेट एक्सटेंसिबिलिटी, एडिक्वेट रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है. ऑल ऑफ द अबव आंसर है, विच इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ मसल स्ट्रेंथनिंग, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू गेन बोन डेंसिटी, विच इज़ नॉट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑन सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर एंड्योरेंस ट्रेनिंग. तो आप सेलेक्ट कर लो पॉज करके अपने आंसर. नॉट ट्रू इन केस ऑफ मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए कौन सा सही नहीं है. एंड बोन डेंसिटी के लिए, बोन डेंसिटी आपको पता है तो वेट बेयरिंग तो होगी ही, वेट बेयरिंग प्लस रेजिस्टेंस एक्सरसाइज आप करोगे. और ट्रू नहीं है कि हम माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी इंक्रीज हो, ये हमारी गलत बात है. बाकी सारी ठीक है कि एनर्जी सोर्सेज फॉर द मसल एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया मसल इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ मसल फाइबर भी इंक्रीज होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी. इंक्रीज इन हार्ट रेट ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा होगा तो हम गलत कर रहे हैं. एंड विच इज़ नॉट ट्रू फॉर एंड्योरेंस ट्रेनिंग. इंक्रीज यूज ऑफ ग्लाइकोजन, तो ये सही नहीं है बिल्कुल. नेक्स्ट इज ACSM, हमारा अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन क्लासीफाई फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम. अपर्सन 6 months अगर कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करे तो किस कैटेगरी में आता है? व्हाट परसेंटेज गेन एक्सपेक्ट फ्रॉम 100 इंडिविजुअल? एंड हाउ मेनी गेन इन स्ट्रेंथ इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम लाइट इंडिविजुअल? व्हाट इज द ऑप्टिमल टाइम ऑफ होल्ड नेसेसरी फॉर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? द एडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कुड बी बिकॉज इट, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का तो आपको पता ही होगा 6 seconds का होल्ड होता है आइसोमेट्रिक में. एंड हाउ मच गेन? 2% गेन होता है लाइट में. एंड जो अनट्रेंड इंडिविजुअल्स में 40%. अगर हम 6 महीने तक एक्सरसाइज करें कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस वाली, तो हम इंटरमीडिएट कैटेगरी में आएंगे, ठीक है. और ACSM मैंने बताया आपको, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन. और ये जो हम 10 तक काउंट करते हैं एक्सरसाइज में, वो 10 काउंट 6 seconds के बराबर होता है. एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, उसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा. 1 and 2 के लिए हेल्प्स फॉर डी एजुकेशन, गेन मसल स्ट्रेंथ एंड प्रिपेयर फॉर डायनामिक एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज हाइपरटेंसिव कैन डू आइसोमेट्रिक विद अ होल्ड पीरियड ऑफ, बताना है. कैम सिस्टम यूज इन वेट मशीन प्रोवाइड्स व्हाट? विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ वेट मशीन इफ बैलेंस इज द रिहेबिलिटेशन गोल? तो कौन सी एक्सरसाइज प्रोग्राम आप प्रिफर करोगे? तो आप ऑप्शन अपना सेलेक्ट करो. हाइपरटेंसिव कैन डू आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज लेस देन 2 seconds ओनली. और कैम जो सिस्टम है वो लेस रेजिस्टेंस देगा एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन. एडवांटेज नहीं है वेट मशीन का, देर इज़ अ गेन इन प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंस. तो प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंस नहीं मिलेगा. एंड फ्री मशीन से हम एक्सरसाइज कराएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? बैलेंस अचीव होगा हमारा. देन हॉपिंग स्किपिंग जंपिंग, ये जो जंपिंग एक्सरसाइज है वो क्या होते हैं? तो एक टाइप के प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज होते हैं. एंड द डिस्टिंक्शन ऑफ इम्पैक्ट एक्टिविटीज एंड द प्लायोमेट्रिक्स इज इट्स, ये आपको बताना है. विच इज़ मोर फंक्शनल स्पीड इन आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग, कौन सी होगी सबसे फंक्शनल? तो वो हाई होगी. एंड बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग हम एथलीट्स को करवाते हैं. देन If 6-week stretching program is given, we expect a retention of gain up to कितने months के लिए? For elderly individual, the duration of stretch should be कितना होना चाहिए? And double support phase present at the dash phase of gait cycle, the center of gravity displaced to the highest level during dash phase of gait cycle. तो ये सबको पता होगा, I think mid stance में सबसे ज़्यादा होता है. And beginning and end ऑफ स्टांस में हमें डबल सपोर्ट मिलता है. और एल्डरली में हमें ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेच देना होता है. और 6 weeks की स्ट्रेचिंग सिर्फ 1 महीने तक रहेगी. और अगर 5 बार हम स्ट्रेच करें 30 seconds के लिए, वो 5 मिनट के लिए रहेगा. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन इज अबाउट
5 सेंटीमीटर। कैडेंस इज़ द नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट, जो कि कितने बराबर होता है 70 to 130। ड्यूरिंग नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन नी मूवमेंट इज कोऑर्डिनेटेड विद एंकल मूवमेंट, तो इसमें नी फ्लेक्शन अकर्स विद एंकल प्लांटर फ्लेक्शन, ये रिलेशनशिप होता है हमारा। मिनिमाइज अपर डिस्प्लेसमेंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फ्रेंड्स 140 to 151 क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसका आंसर अगर आपको जो आंसर ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड मैंने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।